नमस्कार, मैं हूं सौरभ दास और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए गुरुवार को चेन्नई में ऑक्शन हुआ। इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस हैं, जिसको राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन हुआ, जिसमें झारखंड में भी कई ट्रेनें रोकी गईं। उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर हादसे में अब तक 62 शव बरामद हुए हैं, 34 की पहचान हुई और 142 लोग अब भी लापता हैं। अमरोहा हत्याकांड में मृत्युदंड के दोषी शबनम ने यूपी के राज्यपाल के समक्ष एक नई दया याचिका दायर की है। लालू प्रसाद की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हो सुनवाई। उत्तर प्रदेश में मुफ्त हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन। सूत्रों की माने तो सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का मुफ्त तोहफा दे सकती है। झारखंड के रांची में गुरुवार को 7081 लोगों ने कोरोना टीका का पहला डोज लिया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की आज कोर्ट में पेशी। उसे टूलकिट कॉन्स्पिरेसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के सिमडेगा में जिला विधायक और डीसी ने सदर प्रखंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारत नेट का उद्घाटन किया। आतंकवादियों ने श्रीनगर के बरजुला एरिया में गोलीबारी कर 2 पुलिसकर्मियों को मार गिराया। गोलीबारी कैमरे में कैद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।